Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel with another exciting episode. तो इस वीकेंड हम गए थे शेख जायद फेस्टिवल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अलवतबा फेस्टिवल. तो हमने टिकट्स ले ली थी और चल पड़े, जैसे सब लोग भीड़ में जुड़े थे जाने के लिए. तो जैसे ही हम गए तो माहौल एकदम सही था, वेदर बहुत सही था, तो बस एंट्री कर ली हमने भी. हमें सबसे पहले जैसे एंट्री ली हमने, हमें देखने को मिला द UAE लोकल कल्चरल डांस कॉल्ड यूला. वो था UAE का लोकल डांस कॉल्ड यूला, जो मेन करते हैं डांस स्टिक्स के साथ. तो हम बस आगे चल पड़े थे, जैसे हम जा रहे थे हाँ वहाँ पे हमें सूक देखने को मिला और हम एंटर हो गए UAE का हेरिटेज विलेज. हमने यहाँ UAE का लोकल कल्चर देखने को मिला. ये थे डेजर्ट डॉग्स, जो काफ़ी तेज़ होते हैं डेजर्ट में. इन लोगों ने इनको ट्रेन किया था और यहाँ पे इनका शोकेस कर रहे थे. फिर आगे हमने देखा कि फैल्कन था, तो मुझे भी छूने के लिए डर लग रहा था, बट इट वॉज ट्रेंड और उनकी आँखें बंद थी, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लगा. तो फिर हम आगे चल पड़े टर्किश मैन की तरफ, जो हमें विंटो सर्व कर रहा था. मैंने सोचा कि कॉफ़ी होगी. एनीवेज, काफ़ी अच्छा माहौल था. देख सकते हैं मेरे बिहाइंड लोग किस तादाद में हैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए. और ये जो लोकल कल्चर था, बिल्कुल इन्होंने ऑथेंटिक UAE का कल्चर दिखाया, उनका शोकेस किया. बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक और यूनिक वे में इन लोगों ने प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है अपनी कंट्री को एज यूजुअल. और हम फिर चल पड़े कुछ पेविलियंस को एक्सप्लोर करने, जहां हमने देखा मोरक्को, अफ्रीका और चाइना वगैरह काफ़ी सारे थे. हम स्टॉप बाय हो गए मोरक्कन पेविलियन में. हमने देखा ज़ाफ़रान की तादाद देखा. तो हमने वहाँ से कुछ ज़ाफ़रान भी ख़रीदा, विच वॉज रीज़नेबल, हमें थोड़ा सा ठीक लगा, बिकॉज़ बाहर लेने जाओ तो बहुत महंगा होता है. और फिर चल पड़े हम लोग ड्राई फ्रूट्स की ओर. ये देखिए, वैरायटी देखिए आप, ये कुछ बहुत ही नायाब चीज़ देखने को मिली. काला बादाम, ये देखिए कितना लॉन्ग है साइज़ में. और सबसे बेहतरीन चीज़ है ये सफ़ेद बादाम, जो उस आदमी ने बताया कि माउंटेन से आता है अफ़गानिस्तान के. ये देखिए है ना, सुभान अल्लाह, अमेजिंग. तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़रीद लिए वहाँ से और इतना वैरायटी था. ये भी एक बादाम का है और ये हैं प्लम्स. ये देखिए प्लम्स, अखरोट, बहुत कुछ था लाइक ख़रीदने के लिए. और दाम कुछ रीज़नेबल ही था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था. तो हमने फाइनली कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़रीदे यहाँ पे. जिस तरह हम शक्कर बादाम खाते हैं, एप्रिकॉट्स, तो हनी थोड़ा ख़रीदा और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट ख़रीद लिए यहाँ से. बस यहाँ से हम निकलकर फिर चल पड़े आगे. बस कुछ पेविलियन हमने सारा कवर नहीं किया, बस थोड़े पेविलियंस घूम गए और हमें भूख लग गई थी. हमने कुछ पेट पूजा कर ली अपनी. तो अपनी पेट पूजा के बाद हम निकल पड़े राइड्स की ओर, एक्साइटिंग हॉरिबल राइड्स. तो बस चल पड़े, ये देखिए कितने डेंजरस लग रहे हैं. तो इस एक्सपीरियंस का मज़ा ही अलग था. तो ये देखिए ये राइड में जो मैंने बैठी थी, सीरियसली सुपर एक्साइटेड टू गेट इनटू दिस राइड राइड बिहाइंड मी. मैं और मेरा बेटा वेट कर रहे थे इस राइड में बैठने के लिए. तो हम क्यू लगी थी, तो वी वर जस्ट वेटिंग. व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हाथ पैर कांप रहे मेरे, बाप रे, अल्लाहू अकबर, अल्लाह. माय लेग्स आर शेकिंग, आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू वॉक. अभी दूसरे राइड में जा रहे हैं, व्हिच इज अगेन डेंजरस. अभी बताती हूँ.
ये इतनी हॉरेबल राइड थी कि पूछो मत, हाथ पैर उल्टे सीधे सब कुछ हो गया था। उफ तौबा तौबा, मैं तो बैठ गई, फिर हालत इसकी जो ख़राब हुई ना, अस्तग़फिरुल्लाह। बट इसमें बैठने का मज़ा ही कुछ और था। तो उसके बाद हम सीधा चल पड़े थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे इतना खर्च किया था अबू धाबी वालों ने, ये देखिए आप लेज़र लाइट से आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक इन्होंने इतना बेहतरीन सा फाउंटेन और जो लेज़र लाइट्स लगाए थे, आप देखिए बहुत ही अच्छा माहौल था। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। और खाने के तो शॉप्स पूछो मत, स्टॉल्स पूछो मत, और माशाल्लाह माशाल्लाह, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और ये था कुछ फुटबॉल फीवर, लोगों का इतना क्रेज़ था, इतना वो था कि उफ। तो ये था मेरा सफ़र, हमारा सफ़र इस व्लॉग में। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, मा असलामा।